वी आर गोइंग टू मार्केट। अब आप पहले इस पहाड़ पर चढ़िए। ओह माय गॉड, ये खड्डा यहाँ पर। वाओ, मौसम तो गाइस अभी बादल है और मस्त मौसम ही रहता है। क्या नाम है? खालसा स्वीट फास्ट फूड, बेस्ट है यहाँ का स्वीट। अच्छा, और ये वो पर 150 रुपये किलो। तो वही है, कलाकंद नहीं है क्या? कलाकंद तो नहीं है। ये ले लीजिए, फिर दे दीजिए। हमने स्वीट ले ली है एंड अब आइसक्रीम खाएंगे। आइस वेलकम। उनके मुँह में गुजरा तो मैंने मार्केट भी घुमा दिया। मैंने जय जी को मार्केट भी दिखा दी यहाँ की, पर अभी थोड़ा रश नहीं था, रश कम है। जितने से नाइट होगी वैसे बस हो। ये और ध्यान पड़े हो टीचर है। चलो फिर बाय। हैं हाय, मतलब देखो दीदी और बहना जी तो चले गए हैं, बस मैं और मम्मी पापा रहते हैं। अच्छा, जी ने पापा ने और अंकल जी ने तो डिनर कर लिया है और बस हम लोग करने जा रहे हैं। सो आइए गाइस, आज डिनर हमारा आंटी जी के घर है। तू मेरे को दे दे जाना है, तू तुझे करवा ले। एक को भी देना, मतलब बस पनीर, मटर पनीर, पुलाव, रायता, पूरी, सलाद ले और फिर डालना मिर्ची का चार, छोले, सब कुछ है। जिसको जो खाना है बता दे और खा ले आके। हाँ, ये रहते। सो फील कैसा लग रहा है? एकदम अच्छा लग रहा है। टिकरा के दोबारा से झका आफ्टर लॉन्ग टाइम। छोले खा गए क्या? एक मिनट ला लिया। सो मैंने ये सुना लिया, खा लिया। बड़ा महंगा हो गया। महंगा हो गया, पता नहीं। हाँ, पापा से तो देखा पता नहीं, इन्होंने ले सामान लिया हो, कट्ठे लिया हो, पता नहीं महंगा है। बट ये नहीं पता, चार पाँच चीज ले लिए तो पता नहीं। 40 है खीरा। हाँ तो सही तो है, आधा किलो 40 तो 80 हो गया, 1 किलो तो कहीं भाई खा लीजिए। मूंग पाना तो पा लिया भाई। सो आइए आइसक्रीम खा ली। कैसी आइसक्रीम? टेस्टी, यम्मी। और बहन, और बहन अच्छी लगी? नहीं लगी। मोम सबकी ले लूँ मैं यहाँ पर। ये सबको खा के हटे हुए खा चुके। टेस्टी, यम्मी। अंकल जी भी खा चुके, सब फिनिश कर चुके हैं। आइसक्रीम हमारी मेल्ट हो गई, एक्चुअली लाइट चली गई थी तो इसलिए मेल्ट हो गई है। वो खोल लेना बेटा गेट, दिख रहा है तुम लोग को? हाँ।
खाना आराम से जाना, बाय कर दे भाई। हम जाएंगे चलिए चलिए जल्दी निकलिए जल्दी निकलिए, हम लोग भी आए भाई निकल फिर आए आंटी, बाय आंटी है आना। अच्छा बिजनेस, चलो फिर आंटी चलो। हम लोग आ तो गए बट रास्ते में हो गई बारिश। अच्छा मैं दुपट्टा लेके गई थी, मेरा मोबाइल मेरा भीग गया ना, तो गाइस अब हम लोग पहुंच गए डिनर, हमारा आंटी जी घर हो गया। हम लोग भी आ गए हैं क्या। सो मम्मी भी आ गए हैं। सो अब मैं एडिटिंग करने बैठूंगी बस, बिकॉज 11 बज गए और टाइमिंग बहुत हो गया, मुझे अपलोड भी करना है। अभी हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग आंटी जी के प्यारे से गिफ्ट की। सो मैं कुछ देर पूरे करूँ, चलो ओपनिंग करो इसको। तो हमारे नैना जी ने पहले ही गैस कर लिया है। ब्यूटीफुल, वो ठीक है बढ़िया। तीनों पैक करके ले तो तीनों चले भी जाएंगे। सो आंटी जी गिफ्ट बहुत लवली है, बहुत नाइस है, बहुत यूजफुल है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट। तो अब इसी के साथ ब्लॉग को एंड करेंगे। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे गुड नाइट बोल दीजिए पापा, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। सो गाइस पार्टी।